में जिस तरीके से बोलते हैं सबकी तूती बंद हो गई है, और जब वो 15 अगस्त में जाते हैं तो कितनी ठाट से चल रहे हैं। मैं कहता राहुल गांधी जी और बढ़िया चलिए, इनका ठोक के रखो, सब ठीक होगा। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा लीडर जो लोकसभा में हमारे LOP बैठे हैं, और LOP आप जानते हैं क्या कर सकते हैं, और ही इज एलिजिबल फॉर दैट। और हमें इस बात की खुशी है, वी आर द अंडर द शेडो ऑफ राहुल गांधी, और जो उनका परिवार है हम दावे के साथ कहेंगे एक परिवार इस देश के लिए है, मुल्क के लिए है। कितनी कुर्बानियां इसके परिवार ने दी हैं, वो कहते परिवारवाद। अभी एक बेवकूफ कह रहा था इनको मेंबरशिप हिंदुस्तान के कैंसिल कर दो। ओ हिंदुस्तान अंग्रेजों से छुड़ाने वाला कोई परिवार था पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी परिवार, गांधी, महात्मा गांधी। आज उनको कहोगे तुम अपनी आइडेंटिफिकेशन बताओ, वो कहेंगे जिनकी खुद नहीं है। आई एम सॉरी फॉर दैट, धन्यवाद। लाल सिंह जी एक मिनट, इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर नेता चौधरी लाल सिंह जी, इनसे जानेंगे हम। जी सर बताएं सर, आज जो कर्रा साहब प्रेसिडेंट के बाद तशरीफ आ रहे हैं तो एक नया जोश देख रहे हैं हम पार्टी के अंदर, इसके पीछे क्या कारण है? इससे पीछे राहुल गांधी जो कल आ रहे हैं, पूरी समझ है कि राहुल गांधी जो तपस्वी हैं इस देश के, उनके लिए लोगों का जमाव उमड़ाव, अब वो सड़कों पे कांग्रेस ही दिखेगी, क्यों BJP ने जो सत्यानाश, जो तबाही जम्मू कश्मीर की हुई है, इतना बड़ा हाई स्टेचर, इतना बड़ा हाई स्टेटस और बिग स्टेट इन इंडिया, और उसको आपने UT बना के छोड़ दिया, वर्ड दिस नॉनसेंस, आई एम सॉरी फॉर दैट। और बच्चों का एक बच्चे को, बच्ची को कारोबार नाम की चीज नहीं मिली, कोई टीचर नहीं लगा, कोई डॉक्टर नहीं लगा, कोई पैरामेडिकल नहीं लगा, कोई हॉर्टिकल्चर, कोई एग्रीकल्चर, कोई फॉरेस्ट्री, कोई एक बच्चा, ट्रेंड बच्चा, टेक्नोक्रेट बच्चा, पढ़ा लिखा बच्चा, इन्होंने उसको कारोबार तक नहीं पहुंचाया। स्टेटहुड के लिए बताएं, स्टेटहुड के लिए क्या, स्टेटहुड के लिए क्या स्टेटहुड मिलेगी? और स्टेटहुड इन्होंने नहीं देनी है, वो लड़के लेने पड़ेगी, ये बेईमान है। और इनको पता होता कि हम इलेक्शन जीतेंगे तो LG साहब को पावरें नहीं देते। इन्होंने जो पावरें सारी बना के उल्टी पुल्टी सारी हिज एक्सीलेंसी LG साहब को दी हैं, उसका कारण है, बेसिक कारण है कि इनको ये हार चुके हैं, अपनी हार का जो जनाजा इनका निकल चुका है, और ये इसलिए सारी पावरें उसको दे रही है। इलेक्शन से पहले इन्होंने ये भी दावा किया था 400 पार, किधर है 200 बता ली, गिनती आती है इनको, हमारे वाल भी इन्होंने चीड़ चूड़ करके धोखा धोखा करके की हुई है, सब फ्रॉडी हैं, धोखा। इसलिए जो EVM मशीन ड्रामा इन्होंने रखा हुआ है, और ये खुद मैनेज करते हैं, दिस इज वेरी क्लियर। और जितनी शराब, जितनी करप्शन, जितना पैसा ये लोग बांटते हैं, आई एम सॉरी, वोटर को पैसा नहीं, उसको कारोबार चाहिए, वोटर को 2 किलो राशन नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। कार्यकर्ता में जोश देखे क्या लगता है कांग्रेस पार्टी? कार्यकर्ता का जोश नहीं है, कार्यकर्ता की तकलीफ है, कार्यकर्ता नहीं है, ये सारा आवाम है, उसकी तकलीफ है, कि उसकी तकलीफ जो है वो कहाँ जाहिर करेगा। अब वो कांग्रेस को वोट दे के, कांग्रेस की सरकार बना के अपना गुस्सा ठंडा करेगा, बड़ा गुस्सा है समय जाएगी बोलन दे यार। मुबारक है, वेलकम है, हमें पार्टी हमारी बढ़नी चाहिए, पार्टी में एक अच्छी जान आनी चाहिए, जहाँ जहाँ कमियाँ हैं, जहाँ जहाँ कुछ है उसको ठीक करना चाहिए, और पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को अपना गुस्सा गिला भूल के पार्टी को MLA से जो है सबको जिताना पड़ेगा। अपनी दुश्मनी, अपनी दोस्ती हटा दो, सारे कांग्रेसी बन जाओ, और सारे लोग आपको वोट देना चाहते हैं, और जो इस समय अभी भी कोई लड़ाई करना चाहेगा तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। डोगरा सर्टिफिकेट लेगा, डोगरा अपनी स्टेट वापस लेगा, डोगरा अपनी डोगरी वापस लेगा, अंडरस्टैंड, और डोगरा
इस साड़ी अपनी पार्टी कने मजबूती कने खड़ोते दा और डोगरा जिन्हें स्टेट बनाई दी है कुसे दे बैने नहीं बनाई दी डोगरा स्टेट बनाई दी है और एड्डी बड़ी स्टेट बनाई दी है अजे तक भी टोटे करी करी मुक्का दी नहीं है नहीं मुक्का दी कुत्थे तिब्बत हा साढ़े कोल बितनाम दा दरिया जिहड़ा चलता ना महाराज गुलाब सिंह दे कंट्रोल च आ सर आगे की क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है आपकी हमारी स्ट्रेटजी सीधा इलेक्शन जीतेंगे और क्या कर रहे हैं स्ट्रेटजी कांग्रेस तो आ रही है बहुत बहुत सर।